आईपीएल 2022 को स्टार्ट होने में बस केवल एक दिन का समय शेष बचा है। उसके बाद आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला 26 मार्च को चेन्नई और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा। मगर दोस्तों उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आप भी धोनी को महान खिलाड़ी महान कप्तान मानते हो, आप भी जाना चाहते हो चेन्नई का अगला कप्तान कौन होने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस आपको जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल 2008 से लेकर अब तक के इतिहास में आईपीएल की में 4 बार चैंपियन बनी है आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और 2008 से लेकर अब तक धोनी ही चेन्नई के कप्तान हैं और कोई कप्तान नहीं बना है। मगर दोस्तों अब आईपीएल 2022 का जो पहला मुकाबला 26 मार्च को खेला जाना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, उससे पहले मुकाबले से स्टार्ट होने से पहले ही धोनी ने नया कप्तान घोषित कर दिया है चेन्नई का, रविंद्र जडेजा के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चेन्नई का अगला कप्तान रविंद्र जडेजा होने वाला है और जडेजा चेन्नई की कमान संभालते नजर आएंगे आईपीएल 2022 के कुछ मुकाबलों में। और 2023 के आईपीएल से जडेजा फुल तरीके से कप्तान बन जाएंगे चेन्नई सुपर किंग के। गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या धोनी की तरह चेन्नई की कमान संभालने में सक्सेसफुल हो पाएंगे रविंद्र जडेजा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।